ट्रिब्यून ट्रस्ट के चेयरमैन रेस्पेक्टेड एनंद बोरा साहब, 71 बार में जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, लेफ्टिनेंट जनरल एस एस मेहता, श्री गुरुवचन जगत जी और ट्रिब्यून के एडिटर श्री राजेश रामचंद्रन, श्री विनय वर्मा, श्री राजवीर सिंह जी, श्री नरेश जी कौशल, श्री अदिति टंडन और यहाँ पर मौजूद सारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, देवी ओम सज्जन। यहाँ तक इस पुस्तक के रिलीज करने का प्रश्न है। मैं समझता हूँ कि मैं इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं और लंबे समय तक जिन्होंने डिफेंस में अपनी सर्विसेज दी हैं, अपनी सेवाएं दी हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मौजूद हैं। और मेहता साहब ने तो उस समय और हमारे गुरुवचन लाल जी ने तो उस समय की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। सचमुच इसकी बुक रिलीज होनी चाहिए थी तो इनके हाथों से होनी चाहिए थी, लेकिन बोरा साहब का यह आग्रह था कि यह बुक रिलीज आप ही के द्वारा होगी। पार्लियामेंट का सेशन था, हमारी अत्यधिक व्यस्तता थी और दो बार शायद इस कार्यक्रम को पोस्टपोन भी करना पड़ा, दो बार करना पड़ा। मुझे इस बात का दुख है, मैं खेद व्यक्त करता हूं इसके लिए। और आज भी जब यह बुक रिलीज का कार्यक्रम निश्चित हुआ तो इसी समय हमारी कैबिनेट की मीटिंग लग गई। पता नहीं क्यों इस प्रकार की हर्डल्स आ रही थी, मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा। मुझे लगता था कि समय को इस बात का इंतजार था कि इस बुक को रिलीज करने वाला कोई उपयुक्त व्यक्ति, कोई दूसरा मिल जाए, लेकिन जमाना है और इस जमाने में आप जानते हैं कि मेन आर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द पोजिशन दे ऑक्युपाई। तो मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं, इसलिए बोरा साहब ने कहा कि इसी बेचारे से इसकी बुक रिलीज करा दो। वैसे मैं ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस बुक को रिलीज करने वाले को पढ़कर आना चाहिए, लेकिन मैंने किसी दूसरे को कहा कि जरा देखकर कुछ हमको इसमें से कुछ कंटेंट्स जो इम्पॉर्टेंट हों उसके संबंध में हमको जानकारी दीजिए, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि समय नहीं था इस कारण में। लेकिन इस पुस्तक को मैं पढ़ूंगा यह एश्योर करना चाहता हूं, यह निश्चित रूप से पढ़ूंगा। और बोरा साहब का यहाँ तक संपर्क है, मैं कह सकता हूँ कि संपर्क हमारा बहुत विगत कई वर्षों का है। जब मैं होम मिनिस्टर था और आप गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, तभी से हमारा उनका रिश्ता नहीं है, बल्कि उसके पहले भी जब मैं बीजेपी का एक सीनियर लीडर के रूप में यहाँ पर काम देख रहा था, डेलीगेशन लेकर 8-10 दिनों के लिए मैं जम्मू कश्मीर गया था, उस समय भी मैं बोरा साहब से मिला था। उस समय भी आप गवर्नर थे वहाँ, लंबे समय तक आप वहाँ पर गवर्नर रहे और अपोजिशन में रहते हुए भी आपसे संपर्क करने का मुझे अवसर मिला है, और होम मिनिस्टर रहते हुए भी तो बराबर संपर्क रहता ही रहा, और इन्हीं के यहाँ जाकर मैं रुकता भी था और मेहमान नवाजी भी इन्होंने की। लेकिन मैं कह सकता हूँ बोरा साहब ने बराबर, एक भले ही मैं होम मिनिस्टर था लेकिन गार्जियन की तरह बिहेव किया है, ले उनके प्रति हमारे दिल में बहुत रेस्पेक्ट है, और इसलिए आज बुक रिलीज के कार्यक्रम में यहां पर मौजूद हूं। राजेश रामचंद्रन जी जो इसके एडिटर हैं, उनसे हमारा कोई बहुत पुराना तो संबंध नहीं है, लेकिन वो मिले हैं जितनी बार भी मुझसे, मैं कह सकता हूं कि बहुत ही सहज सरल और एक वह सौम्य इंसान है। और उन्होंने 1971 कि गोल्डन जुबली के अवसर पर जो इस ट्रिब्यून में कई राइटर्स, कई लेख जो प्रकाशित किए हैं, मैं समझता हूं कि जो ऐतिहासिक क्षण हैं उनको ये खुद में एक यादगार बना देते हैं। और इस पुस्तक को मैं बैठे बैठे भी मैं देख रहा था, और एक मैंने एक आर्टिकल पढ़ी है बैठे बैठे जो भी यहां पर मैंने देखा है कि बांग्लादेश से कुछ प्रिजनर ऑफ वार को लेकर एक शिप यहां पर आई थी, तो प्रिजनर ऑफ वार जो उस शिप में बैठे हुए कलकत्ता आ रही थी, तो प्रिजनर ऑफ वार जो उसमें बैठे थे, तो जब वह
यमुई अंडमान शायद उस शिप का नाम था। तो जब शिप कलकत्ता में पहुंची है तो उसके बाद जिसने जिस आर्मी के अफसर ने कर्नल ने उसका चार्ज लिया उसने कहा कि जो प्रिजनर ऑफ वार्स हैं उनमें जो सीनियर ऑफिसर है मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो जो सीनियर ऑफिसर था वो कमांडर था पाकिस्तान का जो प्रिजनर ऑफ वार थे और उनके मिलते ही उस कर्नल ने हमारे कर्नल ने उनको सैल्यूट किया और उन्होंने भी उनको सैल्यूट किया और एक दूसरे को सर कहकर एड्रेस किया। मैं अभी बैठे बैठे इसको मैं पढ़ रहा था। क्या है किसी कंट्री का आर्मी पर्सनल हो और दूसरी कंट्री के आर्मी पर्सनल के प्रति किस प्रकार का एक रेस्पेक्ट का भाव होता है एक सम्मान का भाव होता है यह मैंने उसे देखा। और एक चीज और मैंने देखा था कि एक मिस्टर खालिद करके वो थे प्रिजनर ऑफ वार अब्दुल खालिद और बहुत बड़े एथलीट और एशियन गेम में उनको गोल्ड मेडल भी मिला हुआ हंड्रेड मीटर में मिला हुआ वो भी प्रिजनर वार बने थे। मिस्टर खालिद भी वो थे प्रिजनर ऑफ वार। तो वह जब गिरफ्तार होकर जब यहां पर आए तो मुझे यह बतलाया गया कि उनको भी उसी तरह का सम्मान दिया गया जैसा कि एक किसी भारतीय को सम्मान मिलना चाहिए उस प्रकार का उनको सम्मान दिया जाता था क्योंकि एक बहुत ही बड़े एथलीट होने के कारण। और साथ ही साथ हमारे पड़ोसी देश के वो तो प्रिजनर ऑफ वार थे बंदी थे। यह सब सारी चीजें जो ह्यूमन टच वाली है वह सब सारी चीजें भी पुस्तकों में दी हुई है। कुछ नारियों के संबंध में भी हमारी वीर नारियां हैं उनके बारे में भी मैंने देखा कि इसमें उल्लेख है। तो बहुत ही मैं कह सकता हूं कि बहुत ही हार्ट टचिंग है। और यह पुस्तक तैयार करने का काम जो श्री राजेश चंद्रन जी ने हमारे बोरा जी के देख रेख में किया है इसके लिए मैं पूरे ट्रिब्यून परिवार को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। पूरे ट्रिब्यून परिवार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और यह मैं समझता हूं कि जो ऐतिहासिक क्षण रहा है 1971 का उसकी याद को यह ताजा बनाएगी यह पुस्तक जो भी पढ़ेगा वह यादगार निश्चित रूप से तरोताजा होगी ऐसा मेरा विश्वास है। और आप हम सभी जानते हैं कि 1971 की जो वार रही है भारत में जितने भी युद्ध हुए हैं सबसे निर्णायक यदि कोई युद्ध हुआ है तो भारत पाकिस्तान का युद्ध 71 का हुआ है। और इसलिए हम लोग इस विजय वर्ष को 71 के विजय वर्ष को एक स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाने का फैसला रक्षा मंत्रालय ने किया और पिछले वर्ष हम लोगों ने उसे स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में उसे बहुत शानदार तरीके से मनाया भी है। और 71 के बार में जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ हमारी सेना ने जिस शौर्य पराक्रम और साहस का परिचय दिया उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह जी आप भी 71 के बारे में थे? नहीं सर। अच्छा आप नहीं थे। अदम्य शहादत का परिचय दिया भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है और इस ज्वाइंटनेस की बात कही मुझे बताया गया जो मैंने सुना है कि जिस तरीके से हमारे तीनों सर्विसेज के फोर्स मैंने मिलजुल कर इस ज्वाइंटनेस की आज हम चर्चा करते हैं मिलजुल कर जिस तरीके से युद्ध लड़ा था जिसके परिणाम स्वरूप ये हासिल हुई थी वह अपने में एक शाइनिंग एग्जाम्पल है मैं मानता हूं। और आज हम लोग फिर से ज्वाइंटनेस की तरफ जाने की बात अब सोच रहे हैं लेकिन भी काम उस पर हम लोगों ने प्रारंभ किया है। अब कितना समय लगता है तो मैं नहीं बता पाऊंगा लेकिन कोशिश हमारी है कि यह ज्वाइंटनेस या थिएटर कमांड बनाने का जो हम लोगों ने फैसला किया है वो जल्दी से जल्दी उस पर कोई एक निर्णय हो जाए। और मैं चाहता हूं कि तीनों हमारी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज के कंसेंसस के आधार पर ही कोई एक डिसीजन होना चाहिए यह हमारी कोशिश है। उसमें कुछ यंग सर्विसमैन उनके भी सुझाव हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों के सुझावों को मैंने लिया भी है। सबसे बड़ी बात कि जो युद्ध था 1971 का
वो किस लिए लड़ा गया है? इसे जस्ट वार कहा गया है, यह न्याय युद्ध था, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ा गया था। ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा था हमारी संवेदनाएं भी प्रभावित हो रही थी, उससे हमको भी धक्का लगता था, जिस प्रकार का जुल्म और अत्याचार किया जा रहा था, जिस प्रकार से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन वहां पर हो रहा था, हमारी भी संवेदनाएं प्रभावित हो रही थी। और केवल भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोगों की भी संवेदनाएं प्रभावित हो रही थी। लोगों को लगता था कि इनजस्टिस हो रही है, अन्याय हो रहा है, लेकिन भारत ने उस समय फैसला किया इसका विरोध करना चाहिए और भारत ने उसमें हस्तक्षेप किया और भारत को विजय प्राप्त हुई मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए। वहां पर शासन करने के लिए नहीं है, पाकिस्तान की एक इंच जमीन पर कब्जा करने का हमारा उद्देश्य नहीं था, मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए वह युद्ध लड़ा गया है, न्याय युद्ध। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत तो दुनिया का अकेला देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज देने वाला दुनिया का अकेला कोई देश है तो हमारा और आपका देश ये भारत है। तो जो भारत देश दुनिया को अपना परिवार मानता है, स्वाभाविक है कि दुनिया किसी भी देश में कोई जुल्म अत्याचार होगा तो उसका असर, उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी होगा। तो अमानवीयता और अन्याय के खिलाफ हमारा युद्ध था और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि इस बार 1971 वार का जो स्वर्णिम वर्ष इस बार मनाया गया, बांग्लादेश ने भी भारत के साथ साथ मनाया और हम दोनों लोगों ने मिलकर भी मनाया इस स्वर्णिम वर्ष को। और बांग्लादेश के जो दूतावास है, एम्बेसी है, उसमें भी मैं उस दिन गया था, वहाँ से भी बड़ी संख्या में कुछ हमारे यंग सर्विसमैन और प्रेजेंट जो इस समय आर्मी ऑफिसर्स हैं वह सब सारे लोग भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। एक कार्यक्रम शाम को था, उस कार्यक्रम में कर्नल होशियार सिंह जो जिन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था, उनकी पत्नी भी थी, तो मैं सभी से मिल रहा था, सभी का अभिवादन कर रहा था, अपनी तरफ से जो एक रेस्पेक्ट का भाव है वो मैं सबके सामने प्रस्तुत कर रहा था। कर्नल होशियार सिंह की जब पत्नी को मैं देखा तो शरीर से भी उस उम्र में भी और आँखों में चमक और चेहरे पर जो एक सेंस ऑफ प्राइड, एक गौरव का जो भाव होता है, वह जब मैं देखा, मैं सच बतलाऊं कि मेरा हाथ उनके पैरों पर चला गया। इंसान इंसान ही होता है और मैं कह सकता हूं कि जिन हमारे सेना के जवानों ने इस युद्ध में भाग लिया है उनका सदैव यह भारत ऋणी रहेगा, हमारी इस प्रकार की भावना है। और जो कुछ भी उस समय से सीखा है हम लोगों ने, अब तक डिफेंस मिनिस्ट्री में होने के नाते मैं कह सकता हूं कि बहुत कुछ करने की हम लोग इस समय कोशिश कर रहे हैं और कुछ चीज़ों पर इस समय विचार भी चल रहा है। सेल्फ रिलायंट यह भारत बनना चाहिए और डिफेंस के मामले में भी हम लोग सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने, ये हमारी यह कोशिश है। आप सबको जानकारी होगी ही, बहुत सारे ऐसे आइटम्स की पॉजिटिव लिस्ट हम लोगों ने जारी की है कि सर्टेन पीरियड के बाद उसे किसी भी सूरत में हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। और आज भी मैंने 101 आइटम्स की लिस्ट जारी की है कि सर्टेन पीरियड के बाद, कुछ 2023, कुछ 2024, कुछ 2025, इसके बाद जो है हम उसे इंपोर्ट नहीं करेंगे, भारत में ही बनाएंगे। उस लिस्ट को हम लोग पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट का है और अब तक 309 ऐसे आइटम्स हम लोग घोषित कर चुके हैं, आज भी 101 आइटम्स
कि इंडिजनाइजेशन लिस्ट, जिसे पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट कहते हैं, उसकी हमने घोषणा की है। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए भी 2500 ऐसे आइटम्स तय कर दिए गए हैं कि एक निर्धारित समय के बाद वह भी किसी भी सूरत में इम्पोर्ट नहीं किए जाएंगे। 2500 ऐसे स्पेयर पार्ट्स, बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें हैं जिनके बारे में कि हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो डिफेंस के मामले में हम सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में भी हम लोग अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्लोगन दिया है कि मेक इन इंडिया और मेक फॉरवर्ड, और इसी स्लोगन के आधार पर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत का कभी न एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा रहा है, न भविष्य में एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा रहेगा। यह हमारी सोच, हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा, इन सबके सर्वथा खिलाफ। लेकिन हां, अब आप लोग कहेंगे कि आम पब्लिक में बोलते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन एक डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते मेरे दिल में जो बात रहती है, मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं, क्योंकि इसी फील्ड से आप लोग जुड़े हैं। हमारे दिल में तो रहता परिणाम चाहे जो कुछ भी हो। वैसे तो भारत का चरित्र है, हम किसी को छेड़ते नहीं, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करते, लेकिन दिल में जो मेरी बात रहती है, और मैंने इंडो चाइनाई स्टैंड ऑफ के दौरान अपने सेना के अफसर से हमारी जो बात हुई है, सेना के जवानों से जो बात हुई है, उसको देखने के बाद हमने समझा है, परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, यही संकल्प सबके दिल में है। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, और कोई हमको छेड़ेगा तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, कम से कम यह संकल्प आज लोगों के दिलों में है। लोग कहते हैं था प्रास कांस के बारे में सोचना चाहिए, मैंने कहा युद्ध में प्रास कांस के बारे में नहीं सोचा जाता, युद्ध युद्ध होता है, उसी हिसाब से लड़ना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे आज भी हमारे जितने भी तीनों सर्विसेज के लोग हैं, उनके अंदर यही भाव हमको देखने को मिलता है। ताज के अवसर पर बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इस पुस्तक की रिलीज की औपचारिक घोषणा करता हूं, क्योंकि जिम्मेदारी दे ही दी गई है कि आपको बुक रिलीज करनी है। लेकिन हम बुक रिलीज हम लोगों ने सामूहिक रूप से किया है, अकेले मैंने नहीं किया है, इसलिए सभी की तरफ से इसके बुक रिलीज की मैं औपचारिक घोषणा करता हूं। और मैं पुनः बोरा साहब से और ट्रिब्यून परिवार से मैं क्षमा चाहता हूं कि दो दो बार मेरे कारण ये कार्यक्रम पोस्टपोन करना पड़ा है, और आज भी मैं समझता हूं कि इस बुक रिलीज के साथ जो मुझे जस्टिस करनी चाहिए थी, न्याय करनी चाहिए थी, वो मैं पूरी तरह से नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन इतना यकीन दिलाता हूं कि मैं पुस्तक को मैं जरूर पढ़ूंगा, और जो कुछ भी मैंने देखा है और जो कुछ भी मुझे ब्रीफ किया गया है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह पुस्तक सबको पढ़नी चाहिए। और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स भी हैं, एक तो मैं बैठे बैठे पढ़ गया है, और उसी आधार पर मैंने यहां पर बोला है। तो इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः इस द ट्रिब्यून, ये हाईली रिप्यूटेड ये न्यूज़पेपर है, और मैं तो ट्रिब्यून रोज पढ़ता हूं, क्योंकि डिफेंस की न्यूज तो जरूर उसमें रहेगी, चाहे छोटी न्यूज बड़ी न्यूज, डिफेंस की न्यूज जरूर रहती है ट्रिब्यून में, और उसे मैं जरूर देखता हूं। भले ही लोग कहते हैं कि सिर्फ दो तीन राज्यों तक ही, चार राज्यों तक ही यह सीमित है, लेकिन इसमें आर्टिकल्स भी अच्छे होते हैं। इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए पुनः अपनी सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं बोरा साहब के प्रति, और इस ट्रिब्यून पूरी फैमिली के प्रति भी, और इन्हीं शब्दों के साथ अपना निवेदन समाप्त भी करता हूं।